बिहार पुलिस मुख्यालय में आज AIG विशाल शर्मा ने प्रेस वार्ता करके साफ साफ कहा कि जिस तरीके से मिशन सुरक्षा के तहत जो पुराने वाहन रद्दीकरण किए गए, अब नए वाहन की खरीद बिक्री खरीद की जा रही है, उसमें जो है 383 जो है बोलेरो, वहीं 220 जो बाइक है, यानी उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है पतले रास्ते हैं, वहाँ पर जहाँ चार पहिए नहीं जा पाते हैं, वहाँ पर यानी टू व्हीलर से यानी पेट्रोलिंग की जाएगी। वहीं 17 कैदी वाहन की खरीद की गई है, जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ उस जिले में भेजे जाएंगे। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ करें विशाल शर्मा। वो भी जो पुलिस विभाग की आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा है, उसमें जो अभी रिसेंटली कार्रवाइयाँ की गई हैं, उससे अवगत कराने के लिए आप लोगों को बुलाया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस वर्ष 2024 में मिशन मोड में कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण मिशनों से आपको पूर्ण अवगत कराया है, जैसे मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज एवं मिशन सुरक्षा। तो इन मिशनों को पूर्ण करने के लिए बिहार पुलिस को संसाधनों से युक्त करना एवं उनके कार्यकलापों में गतिशीलता लाना अत्यंत जरूरी है। तो उसी को पूरा करने के लिए बिहार पुलिस ने जो भी पुराने वाहन थे जो ठीक तरीके से फील्ड में कार्य नहीं कर रहे थे और जिनका संचालन सुविधापूर्वक नहीं हो पा रहा था, उनका रद्दीकरण करते हुए उनके स्थान पर हम लोगों ने नए वाहनों को क्रय किया है, जिसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों एवं के थानों एवं अन्य पुलिस इकाइयों को 383 बोलेरो वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रशिक्षण इकाइयों में बिहार पुलिस एकेडमी में MPTC डुमराव, CTS नाथनगर, सभी प्रशिक्षण संस्थानों को नए वाहनों को उपलब्ध कराया गया है। उसके अलावा पेट्रोलिंग के लिए और ऐसे रास्तों में जहां चार पहिया वाहन नहीं जा सकते हैं, वहां 220 पुलिस के लिए 220 दो पहिया वाहनों का भी क्रय किया गया है, जिनको सभी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को उपलब्ध कराया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को उपलब्ध कराने के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए फील्ड में त्वरित गति से लोग जा सकेंगे और उसके अलावा पेट्रोलिंग भी सुगमतापूर्वक डिस्ट्रिक्ट लेवल में और फील्ड लेवल में हो पाएगी। इसके अतिरिक्त हम लोग ने फोर्स के मूवमेंट के लिए 14 बस, 100 सैन्य वाहक ट्रूप कैरियर्स एवं 14 वज्र वाहन, 17 कैदी वाहन और 3 हॉर्स कैरियर भी क्रय किए हैं, जिनको सभी डिस्ट्रिक्ट्स और यूनिट्स को उपलब्ध कराया गया है। तो इस प्रकार से ये जो आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा है, उससे पुलिस की कार्यशैली में भी इम्प्रूवमेंट आएगा और जो हम लोग के मिशन्स हैं उनको हम लोग जो हम लोग ने लक्ष्य लिया है इस वर्ष के अंत तक पूर्ण करने का, तो उसको हम लोग निश्चित रूप से पूर्ण कर पाएंगे। धन्यवाद सर। एक बार आंकड़ा फिर से बता, ग्रुप में हम लोग डलवा देते हैं, उससे आपको मिल जाएगा, ग्रुप में डलवा दीजिएगा, है ना। हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी डिस्ट्रिक्ट को उपलब्ध कराए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के अलावा अन्य यूनिट्स को भी उपलब्ध कराएंगे और ट्रेनिंग सेंटर्स को भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका डेटा तो डिस्ट्रिक्ट की जरूरत के हिसाब से बेसिकली उनको अभी वो जो वाहन क्रय किए गए हैं वो अवेलेबल करवाए जाएंगे और पर डिस्ट्रिक्ट कितना बाइफरकेशन है वो पर्पसफुली वो अभी दिया नहीं गया है। क्या चीज? हाँ, मैंने बताया ना, जो रद्दीकरण हुए थे वाहन, उन रद्दीकरण वाहनों के विरुद्ध में हम लोगों ने वाहन खरीदे हैं, तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के डिफरेंट वाहन जो थे वो रद्दीकरण किए गए थे। उसके बाद उस प्रोपोर्शन में उसके अलावा एग्जिस्टिंग भी वहाँ पे आवश्यकता थी, उस दोनों का आकलन करते हुए सभी यूनिट्स को उपलब्ध कराए जाएंगे वहाँ। हो गया है क्रय, वो जल्द ही अब सभी डिस्ट्रिक्ट में ये चले जाएंगे। समय जल्द से जल्द इसको बोला जाए, हम लोग इस मंथ एंड तक प्रोबेबली सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सब चले जाएंगे। तो आपने सुना किस तरीके से मिशन सुरक्षा के तहत बिहार पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है और पुराने रद्दीकरण के बाद से अब नए वाहन की खरीद भी शुरू हो गई है, उसमें 383 जो है बोलेरो खरीदे जाएंगे, वहीं 220 जो है यानी बाइक, यानी जो पतले रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग के लिए बाइक से पेट्रोलिंग की जाएगी, वहीं 17 कैदी वाहन और 14 बस भी खरीदे जाएंगे, यानी पुलिस को व्यवस्था को चाक चौबंद यानी लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बिहार पुलिस ने एक बड़ा कदम तैयार किया है, पहल की है। और जिस तरीके से जहां पर रास्ते यानी गली वाले रास्ते होते हैं वहां पर अब बाइक से यानी बिहार पुलिस सुरक्षा को देखते हुए अब पेट्रोलिंग करेगी। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।